पूरी धन्य हो गए, हम निहाल हो गए और दुल्हा सरकार की आरती उतारी। दुल्हा सरकार पालकी में बैठ करके, पहले तो घोड़े पर बैठे, फिर पालकी में बैठ करके जब महल के द्वार तक पहुंचे तो सखियों ने कहा, सरकार अब पालकी से उतर कर पैदल चलो आंगन में। सखियों ने कहा, सरकार अब यहां से पैदल चलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने भैया राम से कहा, भैया ससुराल में आकर वो भी हम पैदल चले, राजकुमार हैं, आज हमारा ब्याह है। अब पालकी से उतरने में थोड़ा संकोच करने लगे चारों भाई। तो सखियों ने कहा, सरकार उतरना तो पड़ेगा, पालकी आगे नहीं जाएगी, यहाँ से पैदल जाना। और उतर करके जब आप यहाँ से पैदल चलोगे तो हम आपके चाल का वर्णन करेंगे, आप कैसे चलते हो, आपकी चाल ढाल थोड़ा देखेंगे। सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुसतात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। चारों दुल्हा सरकार पान खा रहे, हाथ में रेशमी रुमाल लिए हुए, मुख को ढके हुए। सखियों ने वर्णन किया कि कचरत पान मंद मुसकात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। अब आप उतर करके यहाँ से चलो तो हम आपके चाल की उपमा बताएं, आप कैसे चलते हैं। राम जी ने कहा, ये चाल देखने का समय है। सखियों ने कहा, सरकार ब्याह में चाल चलन देखना पड़ता है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता है उसका ब्याह नहीं होता। राम जी ने कहा, ये तो पहले देखना चाहिए था। अब ब्याह तय हो गया, बारात आ गई, पाती भेज सगाई कर गई, बुलाए लई बारात। धन्य रीति या मिथिलापुर की, पाछे पूछे जात छान जल खूब पिए। ये तो पहले पूछना चाहिए। सखियों ने कहा, सरकार अभी क्या बिगड़ा है, अभी ब्याह थोड़ी हुआ है, अगर चाल चलन ठीक नहीं होगी तो बारात लौट जाएगी। अब तो राम जी बड़े चक्कर में पड़े, तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाए। सखियों ने कहा, सरकार उतर करके यहाँ से पैदल चलना पड़े। लक्ष्मण जी को थोड़ा अटपटा लगा, मेरे प्रभु से ये सखियाँ इतनी बहस कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा अटपटा लगा, रोष आया, तो सखियाँ समझ गई। सखियों ने सोचा, चलो लक्ष्मण जी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सखियों ने लखन लाल जी से कहा कि करी के खयाल लखन लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। यहाँ गाल मत बजाना, ये ससुराल की गली है। करी के खयाल लखन लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। सरकार, ये ससुराल की गली है, आपका घर नहीं, घर ना ही ससुरारी है। इतना बुझिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन के छोटे ससुरारी में छक्का, बड़े बड़े लोगों का छक्का छूट जाता है ससुराल में। सखियों ने कहा, सरकार उतर करके पैदल चलना ही पड़ेगा, और ज्यादा गाल बजाओगे तो आपका गाल बजाना हम बंद कर देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करोगे? तो सखी ने थाली दिखाया, वो पूजा की जो थाली थी उसमें एक दीपक जल रहा था, चंदन अक्षत रखा हुआ था, और एक लोढ़ा रखा हुआ था। लोढ़ा जानते हैं, वो घर में मसाला पीसने वाला पत्थर जो पुराने जमाने में होता था। आज भी ब्याह में, अब भले लोगों के घर में मिक्सी हो गई, लेकिन आज भी ब्याह में लोढ़ा की जरूरत पड़ती, बिना लोढ़ा के दूल्हा का परछन नहीं होता। दूल्हा का परछन तो लोढ़े से होता है। तो मिथिला की सखी उसी थाली में लोढ़ा भी रखती। तो मिथिला की सखी ने कहा, करके खयाल लक्ष्मण लाल सुनो,
ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की, क्या करोगी? तो सखियों ने कहा कि आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर। ताती कर माने गरम कर। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहद सब सिकाई करे गाल की। आपके गाल की सिकाई कर दे, गाल बजाना बंद हो जाए। और अभी सखियों ने पहले भी कहा था कि जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। तो क्या स्वागत करोगी? मिथिला की सखियों ने कहा आज लोढ़ा से सिकाई बिनकर गाल सकते, आज लोढ़ा से इनके गाल को सेकेंगे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकते। सखियों ने कहा सरकार उतर करके चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया, लक्ष्मण बहस मत करो, ये जो कह रही है वही करो। चारों दुल्हा सरकार पालकी से उतर गए। जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा अब हंस क्यों रही हो? सखियों ने कहा सरकार बहुत सेकी दिखा रहे थे, उतरेंगे नहीं उतरेंगे नहीं, उतरे तो उतरना तो पड़ा। अब राम जी बेचारे क्या करें? उतर गई ले हो, उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी।